इंग्लिश टू हिंदी। कौन से फोनिक साउंड है? इंग्लिश टू हिंदी। अच्छा बोलो, ए से ए, ए से ए, बी से ब, बी से ब, सी से क, सी से क, सी से स, सी से स, दोनों होता है का भी होता है और सा भी होता है, डी से ड, डी से ड, ई से ए, ई से ए, एफ से फ, एफ से फ, जी से ग, जी से ग, एच से ह, एच से ह, आई से ई, आई से ई, आई से आई, आई से आई, आई से ई भी होता है और आई भी होता है। ठीक है, अभी लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? ई। ठीक है, वो जब आई होगा तब हम आगे बताएं, जैसे सी से कब्जा होगा तब हम बाद में बताएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैं सी से का, सी से का, आई से ई, समझ गए कि नहीं? जे से ज, जे से ज, के से क, के से क, एल से ल, एल से ल, एम से म, एम से म, एन से न, एन से न, एम से न, एन से न, एम से न, ओ से अ, जो होगा उसके नीचे यहाँ डॉट रखा होगा, उसको बोला जाता है ज। क्या बोला जाता है? ज। ठीक है, वो थोड़ा हवा निकाल के बोलो, ज ज ज ज, उसे हवा निकाल के ज ज। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे देखो स्पेलिंग लिखी है जेड ई डी आर के। अब देखो जेड से क्या होता है? ज। क्या होता है? ज ज ज। क्या होता है? ज। और जेड में काहे की मात्रा चढ़ी? ई। और ई से हम काहे की मात्रा चढ़ाएंगे? ए। ई कहाँ चला गया? ई से ए की मात्रा, जे बी से ब, और आर है बाद में, तो क्या हो जाएगा? ब्रा। जे ब्रा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो जैसे हमने लिखा ए डबल एस, क्या लिखा है? ए डबल एस। ए नहीं होता आए, ए से आए, और डबल एस से सो, ऐसो ऐसो। समझ आया कि? अब सी ए टी, अब इसको कैसे पढ़ें? सी से क्या होता है? क। ए से क्या होता है? आए। आई की मात्रा होती ए ई आई ओ यू, ये मात्राएं होती हैं जब हिंदी में लिखी जाती है तो ये मात्रा बन के आती हैं। समझ में आया कि नहीं? सी का पे आई की मात्रा तो कैट। समझ में आया कि? जैसे हमने कहा बी ए टी, क्या बोला? बी ए टी। अब बी से क्या होगा? ब। ए से आए, बैट, तो बी ए टी बैट। एक और समझो, जैसे लिखा सी यू टी, क्या लिखा है? सी यू टी। सी से हमने क्या बताया? क। और यू से कौन सी मात्रा? अ। नहीं, जब यू से आ होता है और जब आ लिखेंगे तो कहीं क और ट ऐसे लिखेंगे? नहीं, जब ये छोटा आ बड़ा ये मात्रा बन के आते हैं और व्यंजन के बीच में, ये किस रूप में लिखे जाते हैं? मात्रा के रूप में, अक्षर के रूप में थोड़ी लिखे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? क ट कट। समझ में आया कि नहीं? आप जैसे एक आई का ले लो, जैसे हमने कहा बी आई टी, ठीक है, बा से बी, बी से ब, और आई से कौन सी मात्रा? छोटी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बा पे छोटी की मात्रा बी, बीट, 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 बीट। ये फोनिक साउंड याद हो जाएंगे ना? हाँ। फोनिक साउंड याद कर लोगे तो बोल लोगे कि नहीं? हाँ। ये जो स्पेलिंग लिखी होती है इंग्लिश पढ़ने में तुमको कठिनाई होती है, तो जब तक फोनिक साउंड नहीं आएगी तब तक तुम लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाओगे। तो सब
लोग ये फोनिक साउंड नोट कर लो और हम कुछ स्पेलिंग दे रहे हैं उनकी तुमको हिंदी लिख के लाना इसी तरह बना के लिख के। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो।